एक मोबाइल नीचे करो। ओके, बोथ ऑफ यू लुक इन द सेंटर। या। फर्स्ट। बोथ ऑफ यू इन द सेंटर। इस तरफ। फर्स्ट टाइम। लुक इन द सेंटर। इधर इधर। ये साइड ये साइड। या या। We'll start from here and ये हुई ना बात डन कुछ है कैसे एक दूसरे को टक्कर देने वाले हैं आप लोग स्टार्ट करते हैं आप ही करे ना मंक आई थिंक हम सब जितनी अच्छी एनर्जी है हम सब में टच वुड वो वैसे ही बनी रहे एंड आई थिंक जब हम लोग टास्क नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे हम सब एक दूसरे के लिए चेयर कर रहे होंगे और चाह रहे होंगे कि वो अपने टास्क अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे और जब हम साथ में कम्पीट कर रहे होंगे देन ऑब्वियसली हम बेस्ट से बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और टक्कर देंगे आपने प्रिपरेशन क्या किया क्वेश्चन प्रिपरेशन ये है कि आई थिंक पूरी लाइफ में आप अपने लाइफ में बहुत सारे प्रिपरेशन करते रहते हो एंड मेरे लिए तो खतरों के खिलाड़ी में आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ खतरों के तो जैसे कि इनका कहना है कि मैं जिम नहीं करता हूँ मैं जिम्स करता हूँ तो बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद खतरों के खिलाड़ी बिकॉज इट इज़ लॉट टू डू विद योर मेंटल स्ट्रेंथ तो आई थिंक लेट्स सी कि किसकी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है खतरों में जिस तरह के स्टंट्स हम फेस करते हैं जैसे क्रोकोडाइल हो गया या हाइट हो गई वैसे इंटरेक्शन हम रियल लाइफ में तो कभी फेस ही नहीं कर पाते आई मीन 40th फ्लोर से जंप करना एंड ऑल दैट तो पता नहीं उसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिल गई है अगर कोई देता है तो प्लीज बताइए बट एनी खाने पीने का ध्यान और आई थिंक थोड़ा स्टैमिना एंड्योरेंस उस सब पे एक दो महीने से ध्यान दिया गया है मतलब मेरी तरफ से तो बाकी जैसा चूर बोल रही पार्टी कर रही थी तीन दिन पहले एंड्योरेंस से पार्टी का क्या लेना देना एंड्योरेंस से ही पार्टी का लेना देना नहीं नहीं और जैसे नियति बोल रही थी आई थिंक ऐसी कोई प्रिपरेशन हो नहीं सकती मगरमच्छ के आंसू दिखते हैं हमें मगरमच्छ के दिखता है यहाँ पे बाकी तो भगवान मालिक है क्या हो एग्जैक्टली हनुमान जाने से डेफिनेटली याद करके रखी है भगवान के नाम पे कोई फोबिया जो आप ओवरकम कर सकते हैं ऐसा आप लोगों को लगता है शो में कोई वो भी आप लोग अपना बताना चाहेंगे आई थिंक आई हैव नियरली सेड दैट ऐसे हम लोग रियल लाइफ में तो चीज़ें कितनी सारी होती है जो फेस नहीं करते हैं वहाँ जाके पता चलेगा और किन किन चीज़ों से डर लगता है और कितना डर लगता है और इससे भी फोबिया था अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था और अब उसको ओवरकम करना है सो आई थिंक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे जो डर है थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिया का है बाकी सब मैनेज हो जाना चाहिए मतलब
डब्बे के अंदर लाइट उतना। अच्छा बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, किस किस को? एक मिनट सबको जवाब देने दो। हाँ चलो चलो। मेरे को अरेक्नोफोबिया है, विच इज द फियर ऑफ रेप्टाइल्स, स्पाइडर्स और हाइपोट्रोमोफिया, सांप और ये कह रहे थे ऐसी चीज़ें हैं। बेसिकली जानवरों से डर लगता है, बाकी तो उधा लो कहीं से भी मेरे को और डुबा दो कहीं पे भी, बच के आ जाऊंगा मुझे लगता है। बाकी कलर्स टीम और एनिमल ने प्रॉमिस किया है कि मरने नहीं देंगे तो ठीक है बाकी सब। ये पानी का बहुत डर लगता है, स्पेशली वो जो स्टैंड्स होते हैं ना जिसमें पानी के अंदर जाके सांस रोक के ताला खोलना है, ये सब वो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, जैसा मेरा चेहरा ही अभी हम देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है। अभी अभी से बनवा जाते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है हमेशा पानी को लेकर, जैसे हम हवा नहीं देख पाते हैं, क्या मछलियाँ पानी देख पाती हैं? एक सडनली अगर बच्चा पीछे से आगे वो ढप्पा भी कर देगा मेरी फट जाएगी। That's a very honest reaction I have. But then after that, what happens is I like facing it. So let's face it. आप सभी से ही जानना चाहेंगे कि इस सीजन ही क्यों चूज किया आप लोगों ने खतरों के खिलाड़ी? फाइनल इस सीजन में हुए। सच? व्हाट व्हाट? फाइनल इस सीजन में हुए, तो मैंने कोई काम या कभी कुछ इसमें फाइनल। यार मतलब आई थिंक खतरों के खिलाड़ी अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है और हमने इसे नहीं चुना है, इसने हमें चुना है, राइट? मतलब I might be talking wrong on behalf of anybody else, but I'm sincerely talking about myself. I am really obliged, honored कि उन्होंने मुझे चुना है and ये opportunity दी है and let's make most out of it. Absolutely. But imagine जो चीज मतलब सही वक्त पे सही चीज होती है, ये हमारा वक्त है इसलिए हम यहाँ हैं। ये वक्त हमारा है। इस बार रोमानिया में हो रहा है, केप टाउन में नहीं हो रहा है। लकीली रोमानिया में भी गर्मी है तो गुड फॉर अस। 11 डिग्री है, मैंने भी वही चेक किया, उनकी गर्मी हमारी गर्मी नहीं है। हाँ बट एटलीस्ट रूम टेम्परेचर भाई वहाँ की अलग होती है, हमारी अलग है। इट्स बेटर देन यू नो अदर कंट्रीज, एटलीस्ट इट्स गोइंग टू बी बेटर फॉर अस यू नो। अगर ज्यादा ठंड होगी तो ज्यादा प्रॉब्लम। इग्नोरेंस इज ब्लिस। हाँ तो गर्मी है, गर्मी से तो इट्स गोइंग टू बी प्लेजेंट। हां मतलब 40 डिग्री से तो बेटर है ना यार, दैट्स व्हाट शी इज ट्राइंग। या दिस सी थैंक यू। पानी में सांस रोकना पड़ेगा 11 डिग्री पे तो बेटर ही होगा। आप सभी का फेवरेट कंटेस्टेंट अब तक का कौन सा रहा है ऑल सीजंस के अगर मैं बात करूं? या मेरे तीन रहे, भारती, पुनीत एंड दीनो। तीनों बहुत ही रियल ऑर्गेनिक एंड अगर उन्हें डर लगा है तो उन्होंने डर को फेस किया है और उससे लड़े हैं और अपने अपने तरीके से लड़े। लाइक दीनो हैज बीन रियल एंड रॉ, whereas if you talk about Puneet, Puneet has been very statistically drawn towards a task. Bharti, हम सब कैसे हैं ना, फट रही है तो फट रही है मगर खेलेंगे, कोई बात नहीं कर वो मैं कर लूँगी। तो yeah, very real and raw. Aditi, yours? मुझे Dino definitely performed so well. Arjit ने बहुत अच्छा perform किया, उसका बहुत major fear था height का, उसने वो overcome किया। I think that too 3-4 बार, yeah काफी बार। And Divyanka Tripathi, she has performed बहुत अच्छे स्टंट्स परफॉर्म किए, यू नो जहाँ पे बहुत ही एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ की जरूरत थी और उसने वो सारे स्टंट्स बहुत ही अच्छे से किए थे। बट
खतरों के खिलाड़ी में जितने भी स्टंट है, ऐसे कौन से स्टंट है जो आप लोग करना चाहते हो, और ऐसे कौन से स्टंट है जो चाहते हो कि आपके पास ना आए, आपको करने का वो मौका ना आए? आप भी बता दो ताकि वही वो देंगे. ऐसा होता है, रोहित सर पहले पूछते हैं कि कौन सा स्टंट, किस चीज़ से आप लोग को डर लगता है, फिर वो आपके सामने रखते हैं. तो ऐसा कोई है स्टंट जो आप लोग? हम उल्टा करेंगे ना, अभी हम बताएंगे वो स्टंट. अरे मुझे हाइट से बहुत डर लगता है. और पानी तो मैं मछली की तरह तैरती हूँ यार. जानवरों को तो खा जाता हूँ मैं. जानवर कोई भी स्टंट होगा मैं यूँ कर लूंगा. हाइट पर डालना और ये, और गाड़ी में चलवाना मुझे. हाँ गाड़ी में चलवाना मुझे. हाँ बहुत ऐसे होता है. रोहित सर सुन रहे हो ना आप? प्लीज सर. ओके, इस साल यू नो काफी कंटेस्टेंट्स हैं, वो डू यू थिंक कि आप लोग का टफ कंपटीशन हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब ये चीज़ पता चलेगी. अभी तो सब अपनी तरफ से बेस्ट प्रिपेयर करके आ रहे हैं. एंड आप किसी की बॉडी को देख के जज नहीं कर सकते हो, या बस ऐसे इंस्टाग्राम पे हाँ स्टॉप किया और पता चलेगा हाँ ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है. यू कांट जज दैट जब तक आप उधर जाके उनकी परफॉर्मेंस ना देखो. क्योंकि प्रीवियस सीजन्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जो बहुत फिट एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसा लगा था ये तो मतलब जीत भी सकते हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी. नेवर. ऑल्सो आई थिंक सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग होती है. आई मीन किसी की एंड्योरेंस अच्छी होती है, किसी का पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा या कम होता है, किसी के कुछ फोबियाज होते हैं. सो आई थिंक उस वजह से भी परफॉर्मेंस पे काफ़ी असर पड़ता है. अब तक तो मैं बोल रहा था मुझसे डर रहे होंगे सब, लेकिन अब उनकी बातें सुनकर मुझे इन दोनों से डर लग रहा है. ये पूरा प्रिपेयर्ड आई हैं. क्या हुआ जाके बताएंगे. वही होता है ना, बिकॉज वहाँ पे आप लोगों से लड़ने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे आप पहले खतरों से लड़ने जा रहे हो. उसको टाइमली कैसे लड़ पाओगे वो देखने जा रहे हो, और उसके बाद डिपेंड करता है कि कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है. सो यू कांट रियली थिंक अबाउट इट बिफोर हैंड. टेक योर गेम फॉरवर्ड.